बक्सर नगर में सघन अभियान चलाकर विद्युत कंपनी के द्वारा लगभग 100 लोगों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। विद्युत कनेक्शन इसलिए काटे गए हैं क्योंकि ये लोग बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता शिव कुमार ने बताया कि फेस्टिवल सीजन होने के कारण कई लोग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे। ऐसे लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन कई महीनों से जब बिजली बिल जमा नहीं किया गया तो अंततः टीम बनाकर छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में अब तक तकरीबन 100 लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी जो अभियान चलाया गया उसमें 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह ससमय बिजली बिल का भुगतान करें और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें। क्या कुछ कहा विद्युत सहायक अभियंता शिव कुमार ने, आइए सुनते हैं। वो वस्तुतः बात ऐसी है कि ये पूरा जो है अक्टूबर नवंबर ये पूरा फेस्टिवल सीजन रहा, जिसके कारण लोगों के द्वारा जो है कि बिजली का बिल भुगतान करने की आदत लगभग छूट सी गई थी और हम लोग का राजस्व दिन प्रतिदिन जो है कि गिरते जा रहा है। इसको हम लोग का राजस्व बढ़ाने के लिए सघन अभियान करना मजबूरी हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइन कटे हुए हैं, वो फिर भी लाइन जला रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके पकड़ कर उन पर फाइन हम लोग गठित कर रहे हैं। जो लोग पैसा नहीं जमा कर रहे हैं उसका भी लिस्ट हम लोग निकाल चुके हैं और उनका भी लाइन काटा जा रहा है। अभी तक बक्सर शहर में अप्रोक्स जो है कि 100 लोगों का लाइन हम लोग काट चुके हैं और अभी तक दर्जनों लोगों पर FIR हम लोग कर चुके हैं। आज भी सघन जांच के क्रम में लगभग 4 लोगों का हम लोग अभी तक 4 लोगों को हम लोग पकड़ चुके हैं और इस तरह का अभी हमारा अभियान चलेगा। वो रात में भी चलेंगे या मीटर बाईपास किए हैं या जिनका बकाया प्लान काट दिया गया है वो फिर भी जला रहे, वैसे लोगों पर हम लोग FIR कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ शिव कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, बक्सर शहरी। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी मीटर बाईपास कर विद्युत उपभोग कर रहे हैं उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इसके साथ ही जो लोग बिजली का बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं उनका भी विद्युत कनेक्शन काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ताओं से यह आग्रह है कि वह ससमय बिजली बिल का भुगतान करें और विद्युत विच्छेदन से बचें। उन्होंने कहा कि टीमें न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी यह अभियान चला रही है। ऐसे में बिजली चोरी करने वाले किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी कीमत पर बकाया राशि का भुगतान कराया जाए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में उनके साथ अभियंताओं की टीम भी शामिल है जो लगातार पूरे